नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टोमेटो फीवर का केरल में कहर, 5 साल के कम उम्र के बच्चों पर मंडरा रहा है खतरा। युवा कांग्रेस के शिविर में कृष्ण अल्लावरू की कार्यकर्ताओं से अपील, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झगड़ा न करने की दी सलाह। और विधायक रमेश लटके, इनका दुबई में निधन, उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाने की चल रही है तैयारी। अब खबरें विस्तार से। केरल से खबर आ रही है कि वहां करीब 82 लोगों को टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर हुआ है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग नजदीक से इस केस की पड़ताल कर रहा है। इस बीमारी के बारे में जितनी भी जानकारी आई है उसके मुताबिक यह 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों पर अधिक असर डाल रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस बीमारी की अब तक सही पहचान नहीं की जा चुकी है। यह जानना भी मुश्किल है कि यह चिकनगुनिया या डेंगू के असर से होने वाली बीमारी है या कोई अन्य समस्या है। यह बीमारी किसी भी अन्य वायरल फ्लू की तरह ही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका खतरा 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को बहुत अधिक है। इस फ्लू के 80 से अधिक केस के सामने आते ही गांवों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाने लगा है। इस बीमारी को टोमेटो फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीड़ितों को टमाटर के आकार के चकते हो रहे हैं। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू को एक अदालत ने जमानत दे दी है। राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने इसके लिए कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बिना किसी आधार के अपराध दर्ज किया गया, मैं अब मुझे जमानत देने के लिए अदालत को धन्यवाद देता हूं। कोर्ट से उम्मीद करते हुए बच्चू कड़ू ने यह भी कहा कि वह अपर कोर्ट में समाधान की मांग करेंगे। कुठलाही आधार नसताना जे गुन्हे दाखल झाले त्या गुन्ह्या संबंधित कुठल्याही अशा प्रकारची घटना घडली नाही आणि त्याचे कुठलेही पुरावे नाही, हे सगळं बनवाबनवीचं काम झालेलं आहे आणि त्याची आता मला न्यायालयानं जामीन मंजूर केली आहे। मी न्यायालयांचं खरंतर आभार मानतो आणि अपेक्षा करतो का जे काही गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते तातडीनं खारिज व्हावे आणि ज्याचा संबंध नाही आहे अशा पद्धतीचे गुन्हे कोणावर दाखल होऊ नये। न्यायालयाकडून ही आम्ही अपेक्षा ठेवत वरच्या कोर्टात जाण्याचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने युवाओं से कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा व्यक्त विचारों, लक्ष्यों, राजनीति में युवाओं की भागीदारी, क्रांति में युवाओं की भागीदारी को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। आईटी सेक्टर, पंचायत राज लागू करने का फैसला, पार्टी संगठन के लिए मेहनत करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झगड़ा न करने की सलाह भी दी। कृष्ण अल्लावरू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए सलाह दी। वह नागपुर जिले के पेंच सिलारी में एक आवासीय शिविर में बोल रहे थे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस महासचिव एवं प्रशिक्षण प्रमुख सीताराम लांबा, महाराष्ट्र प्रभारी हरपाल सिंह, सह प्रभारी विजय सिंह राजू, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अभिजीत सकपाल, अमर खानापुरे, गौरव पांडव उपस्थित थे। अल्लावरू ने कहा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई को नई दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई से लेकर असम तक लोग मौजूद रहेंगे, इसके लिए तैयार हो जाइए, उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विचारों और लक्ष्यों को लोगों तक पहुंचाकर पार्टी और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों से सुझाव मांगे कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए और किन नीतियों को लागू करने की जरूरत है। अल्लावरू ने बताया कि ये सुझाव राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई को आयोजित होने वाले कांग्रेस पार्टी के ध्यान शिविर में प्रस्तुत किए जाएंगे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दुनिया में कोरोना महामारी आए भले ही 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन उत्तर कोरिया ने पहली बार अपने देश में अधिकाधिक तौर पर कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने का दावा किया है। यानी उत्तर कोरिया ने गुरुवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने देश में कोविड के प्रकोप की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने पूरे उत्तर कोरिया क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य मीडिया ने बताया कि पोंगयांग में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस पाया गया है। देश की आधिकारिक न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक देश के इमरजेंसी रिस्पॉन्स फ्रंट का कहना है कि ये देश में अब तक की सबसे बड़ी आपातकालीन घटना है, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। एजेंसी के मुताबिक फरवरी 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से बीते 2 साल और 3 महीनों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, इसके बावजूद कोरोना ने देश में अपने पांव पसार लिए हैं। अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश लटके, इनका दुबई में निधन हो गया। उन्हें कल रात दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। अंधेरी पूर्व से शिवसेना के मौजूदा विधायक रमेश लटके का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विधायक लटके अपने दोस्त से मिलने दुबई गए थे। बुधवार की रात उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, उसमें उनकी जान चली गई। रमेश लटके 52 साल के थे। उनके जाने से शिवसेना में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। विधायक रमेश लटके हाल ही में अपने परिवार के साथ दुबई गए थे, इसी बीच दिल का दौरा बढ़ गया, इसमें उनकी मौत हो गई। शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर ने फौरन लटके के निधन की जानकारी शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी। संजय राउत ने कहा है कि रमेश लटके अपने दोस्त से मिलने दुबई गए थे, जब उनका परिवार खरीदारी के लिए निकला तभी उनकी मौत हो गई। अब हम उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक रमेश लटके के पार्थिव शरीर को मुंबई लाने की तैयारी चल रही है। शिवसेना के आमदार रमेश लटके अंधेरी पूर्व भागात होते, कडवट शिवसैनिक, झुंजार शिवसैनिक, यांचं काल मध्यरात्री दुबईला निधन झालं। ते कुटुंबासह दुबईला गेले होते, त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि रात्री उशिरा आम्हाला ही बातमी समजली, मुख्यमंत्र्यांना समजली। अनेक वर्ष ते शाखा प्रमुख पदापासून नगरसेवक, आमदार असे विविध पदांवर त्यांनी अत्यंत कडवट आणि निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून काम केलं। शिवसेनेच्या प्रत्येक आंदोलनामध्ये रमेश लटके आघाडीवर। काल संध्याकाळी त्यांचं आमचं बोलणं झालं, खरं म्हणजे 6 च्या दरम्यान सुनील राऊतांशी बोलणं झालं, अनेकांशी आमच्यासह त्यांचं काहीतरी कामानिमित्त बोलणं झालं आणि ते अत्यंत स्वस्थ होते। रात्री 12 वाजता समजलं की त्यांचं अचानक निधन झालं। आता ते दुबईत असल्यामुळे त्यांचा परिवार आणि ते त्यांचं पार्थिव
उद्या संध्याकाळी किंवा परवा मुंबईत येईल आणि मग त्यानंतर अंत्यसंस्कार होतील. सांसद नवनीत राणा को जमानत मिलने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया दिल्ली पहुंच गए हैं. उन्होंने सांसद नवनीत राणा से मुलाकात की. राणा दंपति पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आग्रह करने पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था. राणा दंपति को उस मामले में 12 दिन जेल में बिताने पड़े थे. अदालत ने राणा दंपति को जमानत दे दी है, इसीलिए राणा दंपति दिल्ली चले गए. दिल्ली में राणा दंपति ने नेताओं के साथ बैठक की है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया दिल्ली पहुंच गए हैं, इसीलिए उन्होंने सांसद नवनीत राणा से मुलाकात की. उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे माफिया पोलीस कमिश्नर संजय पांडे यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही आहे. रवी राणा असो, नवनीत राणा असो, हद म्हणजे पोलीस कमिशनरला फक्त ठराविकच गोष्ट ऐकायला येते. संजय राऊतने 20 फूट खोल खड्डा खणायचा आणि त्यात तुम्हाला गाडणार अंतिम संस्काराची व्यवस्था झालेली आहे एवढी खुलेआम धमकी आणि पोलीस कमिशनर झोपा काढतात. खासदार आमदाराला अशा प्रकारचं त्यांचा हत्या करण्याची धमकी दिली जाते हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. मी पण लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेणार आहे कारण की माझा समोर माझा उपस्थितीत मी खार पोलीस स्टेशनला होतो. पहिल्या मजल्यावर माझ्या सोबत 5 पोलीस ऑफिसर बसले होते. वरच्या मजल्यावर राणा दाम्पत्यांना कोठडीत टाकलं होतं आणि खाली 80 शिवसैनिक पोलीस स्टेशनच्या प्रटांगणात त्यांचा विरुद्ध धमक्या शिव्या देत होते. उद्धव ठाकरे साहेब, तुमची माफियागिरीचा अंत आणल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. सर हिंदी में बता दीजिए सर, मुलाकात की आप लोगों ने क्या कुछ बात हुई है आगे किस तरीके के आप लोग स्टेट. मेरे मित्र सांसद गोपाल शेट्टी और मैंने रवि राणा नवनीत राणा से काफी चर्चा हुई उनके प्रकृति के बारे में. जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे वो माफिया जैसा प्रशासन का पुलिस का उपयोग कर रहे हैं ये सिर्फ चिंता की बात नहीं है, लेकिन माफियाओं को हम ठिकाने पे लाएंगे. हद कर दी उद्धव ठाकरे जी ने. सांसद और विधायक को धमकी देते तेरी लिए दफन व्यवस्था तैयार हो गई है, 20 फुट खड्डा और तुझे दफना देंगे. ये इस प्रकार की भाषा सिर्फ माफिया सरकार कर सकती है. मैं स्वयं लोकसभा अध्यक्ष से मिलने वाला हूँ और उनसे कहने वाला हूँ कि ये जो माफियागिरी चल रही है, कल मैंने गृह सचिव केंद्र के उनसे भी मुलाकात करके उनको भी ये सब बातें बताई है. उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार का अंत लाकर ही हम स्वस्थ बैठेंगे. पीएमसी ने अभी नोटिस कैसे देखते हैं? अतः मुख्यमंत्री के गाल दो ही है. अभी कभी नीचे की कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कितने तमाचे मारे. उद्धव ठाकरे का गाल देखा है आपने? मुंह सूज, पूरा सूजन आ गई है. अब वो माफिया पुलिस कमिश्नर कहां है? इनके पास से एक्सप्लेनेशन मांगते. अरे संजय पांडे साहब, हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट से एक्सप्लेनेशन मांगो. आपने राजद्रोह की कलम सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी, उसके बाद में पुलिस कमिश्नर धमकी देते हैं. उस पुलिस कमिश्नर की माफियागिरी का भी हम जल्दी अंत लाएंगे. शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है नवनीत राणा. अरे भैया, रोज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग हनुमान चालीसा, राम भक्त हनुमान का पूजा करते. हम हनुमान के भक्त हैं और हनुमान के भक्त जब भी रावण पैदा होते उसकी लंका को जला कर रखते हैं. हम रोज हनुमान की भक्ति करते हैं. शिवसेना सुद्धा हनुमान चालीसा वाचणार आहे पंढरी मंदिरामध्ये, अमरावतीमध्ये जागृत पंढरी हनुमान मंदिरात. याकडे कसं उद्धव ठाकरे मध्ये हिम्मत असेल तर मंदिरात जाऊन त्यांनी हनुमान चालीसा, राम भक्त
सगळे भजन आणि कीर्तन बंद करवावे. अरे डरपोक आहे आमचा मुख्यमंत्री, कसले जाणार आहेत ते मंदिरात, हिम्मत असेल तर जाऊन दाखवा. सर्टनली आता संजय पांडेंना कळणार की ठाकरे परिवाराचे पोलीस कमिशनर म्हणून माफियागिरी करण्याची किंमत चुकवावी लागणार. वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही. अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.